अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरी आवाज़ में से दुख को महसूस करो, नहीं करो करो, मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी आवाज़ में दुख को महसूस करो। खैर, आप हैं मेरे चैनल अरीशा नावल्स पे, तो ये मैंने साथ में इसमें ये बताया क्योंकि पता चल जाए कि ये मेरा ज़ाती तौर पर अपना चैनल है। तो यार मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत 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 ज़्यादा दुखी। सॉरी आगे पीछे की आवाज़ को सारी को इग्नोर कर दो, क्योंकि दोपहर में कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, तो ओबियसली डॉलर शॉप ओपन है। मेरे दुखों की दास्तान शुरू होती है तकरीबन 1 बजे से। हाँ जी, 1 बजे मैंने आज थोड़ी सी एपिसोड रात को लिखी थी, थोड़ी सी सुबह उठ के लिखी, थोड़ी दिन 12 बजे से पहले लिखी, तो मेरी एपिसोड रेडी हो गई क्योंकि मुझे रात को नानू के घर जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं टाइम पे एपिसोड अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन हर चीज़ हमेशा हमारा साथ नहीं देती। तो आज मेरे साथ ये हुआ कि माय डियर जानीस, मेरी एपिसोड जो कि मैंने अपनी हेड फ्री बोले तो टूटियों में रिकॉर्ड की थी, ये टूटियाँ मेरे साथ दगाबाजी कर गई, मेरे साथ बेवफाई कर गई। ये जो इसका वो नहीं होता स्पीकर, ब्लैक कलर का जो होता है, पता नहीं आपका कौन सा कलर का होगा, वहाँ पे जहाँ पे बटन्स लगे होते हैं, मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की। फिर जब मैं इसको सुनने लगी ना कि मैंने क्या पोंख मारी है, तो वहाँ पर मैंने चेक किया तो वहाँ पे सिर्फ सौ की आवाज़ आ रही थी। समझ तो गए होगे आप। अब मैं मज़ीद आप लोगों का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करती, आप लोग जो कीमती वक्त मेरे नावलू पे बर्बाद करते हैं वो वाला मैं बर्बाद नहीं करती, वो सिर्फ मैं नावलू पे बर्बाद करूँगी। तो हम अपनी एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के बीच में आएंगे 4 से 5 गैप, क्योंकि दोपहर में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आराम से करूँगी बस। हाँ जी, तो मैंने 5:30 बजे से पहले सब कुछ करना है, क्योंकि 5:30 बजे हम नानों के घर जाने वाले हैं। तो मैंने बोला था पहले पहले कर लेना जो भी करना है, बाद में मत कहना कि अबू जी मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। तो ये जहरी सी बात है। फिर मैंने सुबह सुबह ये एपिसोड लिख कर मैं मज़े से होकर बैठ गई हूँ कि अब कोई काम नहीं रह गया। ऐसे मेरा लास्ट काम यही होता है, मैं सुबह उठती हूँ ना, आज की एपिसोड में मैं क्या करूँगी, सोचते 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 रात हो जाती है, फिर मैं 8 बजे लिखना शुरू करती हूँ। तो आज मैं सुबह के 8 बजे मैंने लिखना शुरू किया, तो मैं सोच रही हूँ यार मैं जल्दी भी लिख सकती हूँ, मैं जल्दी भी एपिसोड दे सकती हूँ, लेकिन मैं दूँ क्यों। खैर, हम मज़ीद यार आप लोग खुद ही तो मुझे फोर्स करते हो बोलने के लिए, मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ना बोलती हूँ। खैर, लेट्स स्टार्ट आज के एपिसोड, जुनूनियत किस्त नंबर 33, तहरीर अरीशा। उफ, आबे हयात, और कुछ नहीं है क्या आपके पास पढ़ने के लिए। वो इसे किताब उठाए देखकर इसके पास ही लेट गई थी। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सलार सिकंदर की मोहब्बत को पढ़ने का अलग ही मज़ा है। दीशम ने मुस्कुराकर किताब साइड पर रखी थी। ये किताब तकरीबन 4.5 साल से इसके पास थी। ऐसा क्या है जनाब सलार सिकंदर की मोहब्बत में, हमें भी तो पता चले। वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। अपनी मेहंदी वाले दिन वो ये सब कुछ पढ़ रही थी। हाँ हाँ, बताओ इसे कि सलार सिकंदर में ऐसा क्या है ताकि इसके दिमाग में भी उल्टे सीधे ख्याल बनना शुरू हो जाए। ये राइटर्स भी ना ऐसे ऐसे किरदार लिख देती हैं जिनका असल दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता। मिशाल जो अपने बेटे को चम्मच से दलिया खिलाने में मसरूफ थी, इन दोनों की बातों में हिस्सा लेते हुए बोली, जबकि सौम्या और दीदम तो अपने चेहरे को निखारने में लगी हुई थी। खुदाश जो मिशाल की बेटी को लेकर इसके पास ऊपर आया था, सलार सिकंदर के नाम पर दरवाजे के बाहर ही रुक गया। इसने तो आज तक दीशम को इतनी मोहब्बत से अपने बाबा का नाम लेते हुए भी नहीं सुना था। कहने को सलार सिकंदर सिर्फ एक नावल का किरदार था, लेकिन हम जैसे ख्वाबों में रहने वाली लड़कियों के लिए वो सिर्फ नावल का किरदार नहीं बल्कि असल का हीरो है। एक ऐसा हीरो जिसे हमने अपनी बंद आंखों से देखा है, इसके लफ्ज़ों को महसूस किया है, इसकी मोहब्बत पर ईमान लाए थे। माना कि यह सिर्फ राइटर का टैलेंट है, वो इसके किरदार को हमारे जहनों और हमारे दिलों में हमेशा के लिए महफूज कर गई, लेकिन सलार सिकंदर की मोहब्बत बेमिसाल थी। इसके जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। जानती हो, हमने अमामा को
उसने अमामा को सिर्फ तोहफा देने के लिए अपनी जायदाद बेच दी थी, अपना फ्यूचर दाव पर लगा दिया था और बस बस रहने दो, मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ, हम असल दुनिया में जीने वाले लोग हैं। अभी वो कुछ और बोलती कि दीदम ने इसे चुप करवा दिया। और तुम भी शादी से पहले जितना ये सब कुछ भूल सकती हो ना, भूल जाओ। खुदाश काजमी असल दुनिया का वासी है और तुम्हारे लिए कोई लाख डेढ़ लाख की अंगूठी ही लाएगा रोनमाई में। क्योंकि ना तो तुम अमामा हो और ना ही खुदाश काजमी कोई सिलार सिकंदर है। सौम्या ने हकीकत का आईना बड़ी तलखी से दिखाया था। तो मैंने कब कहा कि वो सलार सिकंदर है या मैं अमामा हूँ? मुझे अमामा बनने का शौक़ नहीं है और ना ही मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी सलार सिकंदर की ख्वाहिश है। और जहाँ तक बात इस नावल की है ना, तो ये आज मैं आखिरी दफ़ा पढ़ रही हूँ, क्योंकि आज मैं इस नावल से निकल कर असल दुनिया में कदम रखूँगी और इस हकीकत को कबूल करूँगी जो असल में हकीकत है। न जाने क्यों सौम्या का तलख अंदाज इसकी आंखों में पानी भर लाया था। वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। जब मिशाल का देहान दरवाजे के बाहर खड़े खुदाश की तरफ गया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा और इसका पर्दा है। मिशाल ने जल्दी से दरवाजे की तरफ आते हुए दरवाजे को बंद करना चाहा था। तुम्हारी लाडली को भूख लगी हुई है, इसीलिए आया था, वरना रूल्स तोड़ने के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। इसकी आवाज़ बाकायदा तौर पर दीशम ने सुनी थी। दिल तो चाहा कि अभी कमरे से निकलकर सबको बता दे कि कल रात वो ना सिर्फ इसके कमरे में आया था बल्कि इंतहाई नाज़ेबा हरकतें भी करके गया है, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी ज़ात पर किसी तरह का कोई तबसरा नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए खामोशी से अपना मुंह धोती रही। अरे यार, कहाँ भाग रही हो? बात तो सुनो मेरी। वो तेज़ी से इसके पीछे भागते हुए आया था, जो अपना सामान कमरे से बाहर निकालने के बाद शायद इससे मिलने के लिए इसके कमरे में गई थी। नहीं भाग रही, बस थोड़ी सी शर्मिंदगी हो गई थी। कम से कम दरवाज़ा तो लॉक कर देते, अगर तुम लोगों ने यही सारी हरकतें करनी हैं तो। खैर, मैंने तुम्हें ये बताना था कि मैं जा रही हूँ। बस कल से मेरी यूनिवर्सिटी वापस स्टार्ट होने वाली है, तो मैं और चाचा वापस जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि तुम सोचोगे कि मैंने तुम्हें जाने से पहले बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए मैं आई थी। लेकिन मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था, कम अज़ कम दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए था। वो शर्मिंदगी से खड़ी थी। तुमने जो सोचा वैसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है और कुछ भी नहीं। आज तक इसने कभी किसी को अपनी सफाई नहीं दी थी, लेकिन आज वो दे रहा था। क्यों? वो नहीं जानता था। अरे तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो भी तो मुझे कोई मसला नहीं है। पता है, मुझे लगता था कि ज़की को बुरा लगेगा कि मारिया किसी और लड़के में इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज़की मारिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता और अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। अगर तुम मारिया के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं। मारिया अगर बहुत अच्छी लड़की नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है। पता नहीं वो किस तरह से ये कह रही थी, जबकि इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया था। वो मारिया की तारीफ कभी नहीं कर सकती थी। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? वो टॉपिक को ख़त्म करते हुए बोला। जल्दी कहाँ, हम तो लेट जा रहे हैं। कल से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मुझे हर हाल में अपनी क्लासेस लेनी हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा और तुम्हारे टाइगर जी भी बहुत अच्छे हैं। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे किया था।
क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? वो इसका हाथ थामते हुए बोला। अभी तो कहाँ, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मैं टेलीफोनिक रबतों पर एतबार नहीं करती। अगर किस्मत में मिलना लिखा हुआ तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। वो अपना हाथ इसके मजबूत हाथ से निकालते हुए बोली तो शाइज़म मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह फिर ज़रूर मिलेंगे। वह दिलकशी से मुस्कुरा कर इसे खुदा हाफिज़ कह चुका था, जबकि वो भी मुस्कुरा कर अपना वहाँ से जाने के लिए निकल चुकी थी। वो इसे दूर तक जाते देखता रहा। इसका दिल बेचैन हो रहा था, इसके जज्बात बदल रहे थे। वो क्या महसूस कर रहा था शायद ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। आपने बुलाया मुझे दादा जान? वो कमरे में दाखिल हुआ जहाँ बड़े चाचा जान और छोटे चाचा जान के साथ बाबा जान भी मौजूद थे। जी आ गए जनाब, पूछें बाबा। किसकी इजाज़त से इसने 40 करोड़ की ज़मीन को कौड़ियों के दाम बेच दी? बड़े चाचा जान ने गुस्से से पूछा। सब्र करो, हम पूछ रहे हैं ना। दादा जान को इनका लहजा पसंद ना आया था। वो मेरी ही ज़मीन थी गालिबन, वो जैसे इन्हें याद दिला रहा था। बिल्कुल, ये सारी जायदाद ज़मीन हर चीज़ तुम्हारे नाम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे बेचना शुरू कर दो। इस दफ़ा छोटे चाचा जी ने भी बीच में बोलना ज़रूरी समझा था। खुदाश बताओ कि तुमने वो जायदाद क्यों बेची बेटा? 40 करोड़ की ज़मीन तुम 25 करोड़ में बेच आए? अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम हमसे कहते, अपने बाप से कहते, चाचा से कहते। ऐसी कौन सी मुश्किल आ पड़ी थी तुम पर कि तुमने अपने ख़ानदान की जायदाद बेच दी? दादा जान का लहजा अब भी बहुत नॉर्मल था। इनके लिए पोते की ख्वाहिश से भरकर जायदाद का कोई टुकड़ा हरगिज़ नहीं था, और ना ही वो इस पर कोई बास प्रस्त करना चाहते थे। लेकिन ये इनके तीनों बेटे इसे इतनी अयाशी की इजाज़त देने को तैयार नहीं थे। मैं दीशम के लिए कोई गिफ्ट ख़रीदना चाहता था, वो पुरसकून अंदाज में बोला। छोटे चाचा को तो मानो चुप ही लग गई। वो अपने ख़ानदान की जायदाद बेचकर इनकी बेटी के लिए तोहफ़ा ख़रीद रहा था। वाह, तो कौन सा तोहफ़ा ख़रीदा है आपने दीशम के लिए जिसके लिए आपको जायदाद बेचने की नौबत आ गई? बड़े चाचा शायद इसकी बात से इम्प्रेस नहीं हुए थे। बेटा, अगर तुम्हें इसे कोई तोहफ़ा देना ही था तो जायदाद बेचने की क्या ज़रूरत थी? 25 करोड़ तो तुम्हारे पास भी होते ही। दादा जान ने चाचा जान की को खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा, जिस पर इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। अगर वो तोहफ़ा 25 करोड़ का होता तो मैं अपनी फैमिली को जवाबदा भी नहीं होता। तो फिर? इस बार सवाल बाबा जान की तरफ से आया था। मैंने 300 करोड़ का आइलैंड ख़रीदा है सिडनी में दीशम के नाम पर। इसने पुरसकून होकर इन्हें दूसरा झटका दिया था। 300 करोड़, इनके लिए अल्फाज अदा करना मुश्किल हो गया। बाकी क्या क्या बेचा है इसने, ये पूछें इससे। इस दफ़ा तो बाबा जान दहाड़ते हुए बोले थे, जबकि अब दादा जान के चेहरे की नरमी भी मंद पड़ गई थी। सिर्फ़ अपने हिस्से की जायदाद बेची है आप लोगों की जायदाद में से सिर्फ वो ख़ानदानी टुकड़ा बेचा है मैंने, और फ़िक्र ना करें, मैं आप लोगों को लौटा दूँगा। मैं अपनी बीवी को कोई भी तोहफ़ा आपकी जायदाद से हरगिज़ नहीं देने वाला। मैंने सौदा लगाया हुआ है अपने शहर वाले बंगले का, और प्लीज़ अब इसके बाद कुछ ये सब कुछ बंद करें। दादा जान ने कहा था कि वो सब कुछ मेरा है, तो आप लोग सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? मैं क्या अपनी जायदाद से अपनी बीवी को एक तोहफ़ा भी नहीं दे सकता? वो मायूस होकर इनसे पूछने लगा, जबकि दादा जान के पास कोई जवाब नहीं था। और बाबा जान का बस नहीं चल रहा था कि वो इस बेवकूफ़ की अकल ठिकाने लगा दें, जिसने सिर्फ एक तोहफे के लिए इन्हें सरकों पर लाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। दादा जान ने बहुत पहले अपनी जायदाद का 50% हिस्सा अपने पोते के नाम लिख दिया था, लेकिन आज इन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने गलती की थी। क्या करेगी ये लड़की तुम्हारे इस आइलैंड का, ये बताना पसंद करोगे? बाबा जान गुस्से से घूरते हुए बोले थे। वो तो इसकी मर्ज़ी होगी ना बाबा,
मैं तो सिर्फ इसे तोहफा दूंगा, वो मुस्कुराया था। इसकी मुस्कुराहट बहुत मासूम थी, जबकि दादा जान खामोशी से नफ़ी में सर हिला गए थे। अगर आप लोगों का हिसाब किताब हो गया हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वो बेजार हो चुका था। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया है खुदाश? बाबा जान ने एक बार फिर से इसे एहसास दिलाना चाहा था। खुदाश काजमी अंदाजे लगाने वालों में से नहीं है, करके दिखाने वालों में से है। वो उठकर खड़ा हो गया, जबकि दादा जान ने मज़ीद कुछ भी बोलने से इन्हें मना कर दिया था। वो कमरे से बाहर निकला तो मिशाल सामने खड़ी थी। अब ये मत कहना कि अरशमान शाह ने तुम्हें जासूसियां करना सिखा दिया है, वो इसे देखता हुआ बोला, जबकि वो मुस्कुरा कर इसके साथ ही बाहर की तरफ चलने लगी। तुमने क्यों किया ऐसा खुदाश? तुम्हें पता है ना ये कल को हमारे लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है? इससे दीशम तुमसे मोहब्बत तो नहीं करने लगेगी? तुम्हें किसने कहा कि इस तरह से मुझे दीशम की मोहब्बत चाहिए? इस तरह तो मैं सिर्फ उसके दिमाग से वो सलार सिकंदर का नक्शा मिटाना चाहता हूँ। वो कह रही थी ना कि हर कोई सलार सिकंदर नहीं होता। मैंने सोचा मैं उसको बता दूँ कि हर कोई खुदाश काजमी भी नहीं होता। इसे अफसानी मोहब्बत चाहिए तो मुझे इसकी खुशी चाहिए। और अगर कल इसने तुमसे आसमान के सितारे मांग लिए तो क्या करोगे? वो जैसे इसे लाजवाब करना चाहती थी, खुदाश इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। तुम्हें पता है मेरे नाम 750 करोड़ की जायदाद थी, आइलैंड पर तो मैंने सिर्फ 275 करोड़ लगाए हैं। इसकी मुस्कुराहट देखने लायक थी। मतलब कि बाकी की जायदाद तुम आसमान से सितारे खरीदने में लगा दोगे? इसने सवाल करते हुए इसके चेहरे पर देखा था, और अब वो इसे समझाना चाहती थी कि वो इसे इस तरह के किसी भी बेवकूफ़ी करने से रोकना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी जो शख्स अपनी मनकुहा के दिमाग से एक अफसानी किरदार का नक्शा मिटाने के लिए अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा इसके तोहफे में लगा सकता है तो यकीनन वो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेगा। लगा दिए, इसकी पुरसकून आवाज़ आई। मिशाल को लगा जैसे वो खरे खरे बेहोश हो जाएगी। इसीलिए तो बाबा जान के भी 25 करोड़ बीच में लग गए। आसमान पर करोड़ों सितारे हैं, अब वहाँ एक सितारा मेरी दीशम के नाम का चमकेगा। इसका नाम भी मैंने दीशम रखा है। मैं अफसानी मोहब्बत भी बेमिसाल करूँगा। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया था, जबकि मिशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसके पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे। इसने कहा था वो दीशम से मोहब्बत करता है, लेकिन मिशाल ये सोच रही थी क्या ये सिर्फ मोहब्बत थी। क्या ख्याल है डार्लिंग, आ जाओ पहाड़ी की तरफ चलते हैं। मैंने सुना है कि पहाड़ी की दूसरी तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, और वहाँ ऊपर एक छोटा सा वुड हाउस भी है जहाँ हम बुक करवा लेते हैं। इतनी खूबसूरत जगह है, 2-3 दिन तो वहीं पर रहेंगे। खूब, वो इसे देखते हुए बोला जो आईने के सामने बैठी अपने गीले बालों को सुखा रही थी। नहीं, मेरा तो कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो चले जाएं, मैं यहीं रह लूँगी, वो इसे देखते हुए बोली थी। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो पहाड़ी के दूसरी तरफ का नज़ारा देखना चाहता है, और वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से वो अपनी ख्वाहिश अधूरी छोड़ दे। मैं हनीमून पर आया हूँ गालिबन, और मेरा नहीं ख्याल कि हनीमून पर इस तरह अकेले कहीं जाया जाता है। और तुम्हारा कहीं पर भी जाने का दिल क्यों नहीं कर रहा? ना तो तुम कल मेरे साथ बाहर जाने को तैयार थी, और ना ही आज सुबह से हम कहीं बाहर गए हैं। इस होटल में ऐसा क्या है जो तुम यहीं की होकर रह गई हो? और हाँ, मेरे जागने से पहले कहाँ गई थी तुम? वो उठकर बूट पहनते हुए इससे पूछने लगा। वो जो ये सोच रही थी कि इसकी गैर हाजिरी के बारे में इसे वो कुछ भी नहीं जानता, घबरा कर इसे देखने लगी। वो मैं ठंडी हवा खाने गई थी, सुबह सुबह मेरा कमरे में रहने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए इसने जल्दी से बहाना गरा था। क्या बात है, आजकल तुम ठंडी हवाएं कुछ ज़्यादा नहीं खा रही, जबकि मेरे साथ कहीं बाहर जाने को तुम्हारा दिल ही नहीं करता।
वो एक लम्हे में इसके पास आते हुए इसके बाजू को खींच कर अपने करीब करता इसके गिर्द अपना हिसार तंग कर गया था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं जाने को। वो इसकी शर्ट के बटन पर उंगली फेरते हुए यूं ही नज़रें झुकाए बोली। ज़रियाम ने आहिस्ता से इसका चेहरा अपनी उंगली की मदद से ऊंचा किया था। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, वैसे मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। वो अपना अंगूठा बेहद नरमी से इसके लबों पर फेर रहा था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, मुझे भला आपके होते हुए क्या परेशानी हो सकती है। इसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो पुरसकून होकर बोली थी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई गर्म हवा भी छूकर नहीं गुजरेगी। तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो अमाया। वो नरमी से इसके लबों पर अपने लब रखते इसकी सांसों की खुशबू को अपनी सांसों में बसाने लगा था। आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना। इसकी गर्दन पर अपनी ठंडी उंगलियों का लम्स छोड़ते हुए वो इसके सवाल पर इसकी बंद आँखों के पीछे का डर जानने लगा था। सांसों के बिना कहाँ जिंदा रहा जा सकता है, तुम तो आती जाती सांस बनती जा रही हो। वो एक बार फिर से इसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था, जबकि अमाया अपना हर डर हर खौफ बुलाए इसकी बाहों में अपना घर बना गई थी। वो मज़ीद कुछ भी कहे बिना इसकी शाल इसके कंधों पर उड़ा कर इसका हाथ थामे बाहर ले गया था। अब इसका इरादा इसी वुड हाउस में जाने का था जहाँ की वो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जबकि वो सिर्फ अपने हम सफ़र के हम कदम थी। हैंगिंग सो गाइस, ये रही आप लोगों की आज की एपिसोड, जो कि मैंने बिल्कुल सुकून से रिकॉर्डिंग की है। आगे पीछे की आवाज़ मैं बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये जो मेरी टूटियाँ हैं इन्होंने आज मतलब धोखेबाजी की है, बेवफाई की है और पता नहीं क्या क्या किया है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में कल। कल भी मैं कोशिश करूँगी जल्दी लिखने की, लेकिन सिर्फ कोशिश करूँगी, वादा नहीं करती। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।